السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد على وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में आपके पास दाखिल हुए वह हुआ इस हाल में के वाव हालिया है इस हाल में के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसज्जन ढके हुए थे सज्जा युसज्जी ढक देना उसका मफूल है मुसज्जन सज्जा का फाइल बनेगा मुसज्जी ढकने वाला मुसज्जन ढका हुआ बेसऊबिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े से ढके हुए थे दोहाली इदा सजा सजा मने छा जाना और सजा उसका मुतादी हो गया यानी ऊपर डाल देना और सजा ऊपर कोई चीज़ छा जाए तो उसका बा के साथ इस्तेमाल हुआ है मुसजन बिसबिन आप भी कह सकते हैं कि सज्जे हैव शई आ बसौबिन इस चीज को कपड़े से ढक दो यहाद शई मुसजन बिस फुसूबा तो हजरत सद्दीक रजील् तु ने आपसे कपड़ा हटाया और आपका चेहरा खोला तो उसके लिए कशफ अनुसूबा जैसे कशफ़ा अनबा अनिलहीक़ इस्तेमाल करते हैं कि हकीक़त से पर्दा कुशाई की तो अन के साथ इस्तेमाल करते हैं कशफ़ सऊ कशफ़न अनिलही वाला और हज़रत अबू बकर अर्ज़ किया बेअबी अंता व उम्मी यह असल में है अंता बे अबी व उम्मी अंता मुब्तदा है और बेअबी ख़बर है इसका तर्जुमा अगर लफ्जी करेंगे तो ये होगा अंता आप हों बेअी मेरे बाप के बदले में व उम्मी और मेरी माँ के बदले में बा बदल का है ये आप हो मेरी मेरी माँ और मेरे बाप के बदले में मतलब मेरे माँ बाप चाहे कुर्बान हो जाएं लेकिन आप रहें ये इसका तर्जुमा हुआ फिर इसको मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल कर दिया जाता है फ़िदाइत के जज्बे को ज़ाहिर करने के लिए मेरे माँ बाप आप पर कुरबान हो बेनफसी भी कह सकते हैं बेनफसी अंता, यानी मेरी जान आप परबान हो अंता बेनफसी, यानी आप रहें मेरी जान चाहे चली जाए बेअबी अंत व उम्मी मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान हो या रसूल अल्लाह। इसमें जो मुखातब कर रहा है बंदा तो एक जज्बाती ये कलाम है ये समझ कर नहीं कि आप वसल्लम सुन रहे हैं बल्कि एक बेटा अगर अपने बाप का जनाजा देखता है तो मुखातब कर लेता है और कहता है अ मेरे अब्बा आप मुझे छोड़कर चले गए तो ये नहीं समझता है कि ये सुन रहे हैं लेकिन वो अपने जज्बे का इजहार करता है बंदा बेअी अंता व उम्मी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो तबता हैन व तबता मयतान पबा तीबू पाकीज़ा होना आप पाकीज़ा थे हैन जिंदगी की हालत में भी व वबता और आप पाकीज़ा हैं मुबारक हैं बाबरकत हैं मतन इंतकाल के बाद भी यह हाल बन रहा है वनक़ अली मऊती का मालम़त मऊती अहदिनबिया मिनबूती और आप के इंतकाल से सिलसिला ख़त्म हो गया इन मन मन्त हो जाना सिलसिला मुनकते हो गया मालम मालमयिन उसका कि जिसका सिलसिला मन्त नहीं हुआ था किसी नबी की मौत से कौन सी चीज़ है वो मिनबूअती यानी नब नबूत का सिलसिला आपकी मौत पर मन हो गया जो किसी नबी की मौत पर मन नहीं हुआ था क्योंकि आप ख़ात्नबीन हैं من يبيانيه ماك بيانه وانقطع لموتك ما لم ينقطع لموت أحد من الأنبياء من النبوة فعظمت عن الصفة وجللت عن البكاء فعظمت عن الصفة عظم يعظم عظما وعظمة اسمه أعلى هنا ऊंचा होना बड़ा होना सिफ़ती यानी बयान तो आप आला और बाला हैं तौसीफ और नात बयान करने से यानी हम आपकी कैफियत आपकी सीरत आपके अखलाक बयान करें आप इससे बहुत आला और बाला हैं हम आप कि उसाफ बयान नहीं कर सकते अज़म तसफ़ती व जललता बुकाई और आप ज़्यादा ऊँचे हैं जल्ला जल्लो के मायने भी वही हैं जो आज़ोम के हैं जललता आप बुलंद हैं अनिल बुखाई इस बात से कि हम रोकर आपका हक अदा करें मतलब और जितना रोएंगे आपका हक उससे ज्यादा रहेगा ज़ललता। आप ज्यादा हैं रोने से जितना रोया जाए उतना कम है आप पर यह मतलब हुआ तो ये इस्तेमाल हम अपनी इबारत में कर सकते हैं इनहाद शईआ या عن الوصف व عن अनिल बयान ये चीज़ काबिल ये चीज़ بيان نہیں كي جا سكتي يعني بيان سے أعلى لا نستطيع أن نصف أن نصف أخلاق فلان إن خلقه يجل عن الوصف اسكي أخلاق بہت أعلى هماري بيان سے إن شخصيته تعظم عن الوصف وعن الصفة उनकी शख्सियत आला और बाला आला और बाला है तस्वीर कशी करने से वह खस्ता हत सिरता मसलातन खसो या खस्मन ख़ास होना अम या अम आम होना लाज़िम भी इस्तेमाल होता है मुत्दी भी होता है ख़ास करना और ख़ास होना आम होना और आम करना दोनों मायने आते हैं यहाँ लाज़िम है वह खस्ता और आप की जात खास हुई खासुल ख़ास हुई कि आप ख़ास बंदे हैं अल्लाह के तो आपकी ज़ात ख़ास हुई हत्ता सुरता मसलातन के आप हमारे लिए तसल्ली का सामान हो गए वो खस्ता हता सरता हता सुरता मसलाता आपकी ज़ात ख़ास हुई कि आप तसल्ली का सामान बन गए इतने ख़ास बंदे हैं आप कि हमारे लिए तसल्ली का सामान बन गए मतलब ये है कि जब एक नबी को अल्लाह के मकरब बंदे को दुनिया के सबसे बड़े इंसान को मौत आ सकती है तो मतलब ये है कि हर शख़्स को मरना है तो अगर कोई भी मर जाए तो तसल्ली का सामान हो गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब नबी नहीं रहे तो फिर दुनिया में कौन रहेगा मसलातन तसल्ली का सामान आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुतुबा صارت لي मसलाता यानी किताबें मेरे लिए तसल्ली का सामान हो गई हैं अतसल्ला बिहा मैं उनसे तसली हासिल करता हूँ अपने गम दूर करता हूँ जब गम ज़्यादा होता हूँ तो किताबें पढ़ता हूँ खुश हो जाता हूँ अंता मसला ली, वह अममता और आप आम हुए हता सर फी का सवान यहाँ तक कि हम आप के सिलसिले में बराबर हो गए यानी आप आम हैं पूरी दुनिया के इंसानों के लिए हर मुस्लिम के लिए जैसे आपका ताल्लुक सिद्दीक से है फ़ारोक़ से भी है और हज़रत अम्रबन अलास से भी है और दीगर साहबा अल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन से भी है तो आप सब के लिए आम हैं जितना बड़ा शख्स होता है वो सब के लिए आम होता है तो ख़ास हैं अल्लाह के सबसे बड़े बंदे होने के लिहाज से आम हैं हर उम्मती से ताल्लुक़ के लिहाज से आप आम हुए यहाँ तक कि हम आपके सिलसिले में बराबर हो गए यानी जो गम आयशा अन्हा को है वही गम मुझे भी है वही गम दीगर सहाबा को भी है सब को गम बराबर है आपका गम वलोला अन्ना मऊत का कनख्तिया लजुदना अली मऊती का बिन नफूस लौला के जवाब में ला आता है आप अपने जुमले में याद रखिए लौला कहेंगे तो उसके जवाब में ला लगाएंगे लजुदना जैसे लौला का लहब तु लब तु मिनहुनासुख अगर तुम नहीं होते तो मैं बाजार चला जाता या लऊलल का फुलानुन अगर इल्म नहीं होता तो फुला शख्स हलाक हो जाता लऊलल मदारिस लगा दीनू मिनल हिंदी अगर मदारिस ना होते तो हिंदुस्तान से दीन जाया हो जाता इस तरीके से लउल का इस्तेमाल करेंगे वो लउूला मऊता का कान अख्तियार अम्मिन का अगर ये बात न होती कि आपकी मौत का अख्तियार अम्मिन का है आपकी तरफ से इख्तियार की हुई आपकी मौत को आपने खुद इख्तियार किया है अगर ये बात नहीं होती लजुद मौती का बिन बिनुस जाद यूदन उसके मायने सखावत करना कोई चीज़ खर्च कर देना जाद अभी ही उसी से जवाब बनाए तो हम अपनी जान कुर्बान कर देते मौती का आपकी मौत पर और आपको आपको मरने से बचने की बचाने की कोशिश करते लेकिन ऐसा हो नहीं सकता और आपकी मौत खुद आपके इख्तियार के बाद है कि आप अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया है तो हम आपकी मौत पर जान कुर्बान कर देते यानी अगर हमारे इख्तियार में होता तो हम आपके बदले में चले जाते लेकिन आपको हम ज़िंदा रखने की कोशिश करते लेकिन ऐसा हो नहीं सकता और फिर आपने ख़ुद अपनी मौत को इंतखाब फरमाया है क्योंकि हदीस में आया है कि अल्लाह ताला किसी नबी को मौत नहीं देता है यहाँ तक के आ, वो चुने आ, के वो इख्तियार करें ये हदीस में आया है जद भी ही ने फयाजी करना सखावत करना जदब बेनफ़सी ही नहीं उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी जाद सेहत ही फ़ी इल्म अपनी सेहत को कुर्बान कर दिया इल्म के रास्ते में जदब माली ही, फ़ी सबीले तरबियत वलदी ही उसने अपना माल कुर्बान कर दिया अपने बच्चों की तरबियत के रास्ते में जाद बिन नफसनफीस वन, वन नफीसा فأما ما لا نستطيع نفيه عنا فأما ما لا نستطيع نفيه عنا ولولا أنك نهيت عن البكاء لأنفدنا عليك ما الشؤون ولولا أنك نهيت عن البكاء لأنفدنا عليك ما الشؤون और अगर आपने रोने से मना नहीं किया होता तो हम आप पर आँखों के आंसू ख़त्म कर देते लद अनफदा अनफद मैने ख़त्म करना रोने से मना किया मतलब वावेला करने से आँख के आंसू से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया लेकिन वावेला करने से मना फरमाया अगर आप ज़्यादा रोने से मना नहीं करते और मातम करने से मना नहीं करते तो आप पर मातम बरपा करते कि आँख के आंसू ख़त्म हो जाते जातेफद नाई का माँ मज़ारी दमी को कहते हैं आंसू बहने की जगह यहाँ आँख पूरी आँख मुराद ली गई है जज़ बोलकर कर कुल मुराद ले लिया जाता है फ़ामा मालानस्त व नफ़ यू अन्ना फ वदनाफन या तानी वाला या ब्रहानी लेकिन जिस चीज़ को हम अपने आप से दूर नहीं कर सकते यानी सब्र कर रहे हैं आपने जो सब्र की तलक़ीन की है उसके मुताबिक सब्र कर रहे हैं लेकिन माला नस्तौती नफ़ यह हो जिसकी नफ़ी हम नहीं कर सकते अपनी ज़ात से जिसको दफ़ा नहीं कर सकते अपने आप से वो क्या है फ़क्का मदन अम्मा के जवाब में भी फ़ा आता है फ़क्का मदन तो गम है रंज है कमद रंज व इदनाफुन और इंतहाई इंतहाई बेकली की कैफियत है इदनाफ़ अदनफल मरीजों हैं मरीज़ का मौत के करीब हो जाना तो समझ लीजिए मौत जैसी कैफियत इतना गम और उस गम की वजह से मौत जैसी कैफियत है जो हमको लाइक हो रही है ये हम दूर कर नहीं सकते यह तफ़ाने ये कैफियत गम और मौत जैसी कैफियत हो जाने की गम के नतीजे में ये तफ़ाने का लफ्ज़ है तलाफा का मतलब तो होता है एक का जाना और दूसरी का आना तो ग़म और मौत जैसी कैफ़ियत आ रही है जा रही है ये लफ्ज़ भी सेट नहीं हो रहा है तो हमने इसके असल मसदर में देखा तो ये तफ़ाने हैं वो वो लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब मालूम होता है ये तफ़ाने हमने इसके असल की तरफ रुजू किया है इसका असल मरजा नीचे दिया है जहरुल आदाब तो उसमें यहाफाने है हमने असल की तरफ रजू किया था तो उसमें यहाफाने लिखा हुआ है यतहाफाने से ज़्यादा मुनासिबत लग रही है यहाफ़ाने यानी दोनों चीज़ें लाजम हैं तहालफा तहाल ये तफ़म यजम ये कैफ़ियत दोनों ये लाजिम है हमारे साथ ला इब्रे जो जुदा नहीं हो रही है ला इब्राहान ए ला फ़ारे तो ये तहलफ़ा का मतलब होता है ये तलाज़माने तो र गम है तो मौत जैसी कैफियत है दोनों चीज़ें लाजिम मंजू में इतना गम है कि मौत जैसी कैफियत तारी हो रही है ये दोनों चीज़ें मुस्तकिल हमारे साथ लगी हुई हैं जो जुदा नहीं हो रही हैं गम गया फिर मौत जैसी कैफियत आई या मौत जैसी कैफियत गई फिर गम आया तो कि ये तफाने के ये मायने हैं वो यहाँ सेट नहीं हो रहे हैं क्योंकि गम तो ख़त्म कैसे होगा जाएगा कैसे तो इसलिए य तहाल अफाने का लफ्ज़ इस जगह ज़्यादा अनसब है अल्लाफ अब लि सलाम एल्ला अपने नबी को हमारी तरफ़ से सलाम पहुँचा दीजिए उन्ना महम्मद रबी का ए महम्मद सल्लासम अपने रब के पास हमें याद कीजिएगा वल नकुन बालिका और हम आपके दिल में रहें चाहिए कि हम रहें आपके दिल में यानी आप हमें भूलिएगा नहीं हमारी सिफ़ारिश अल्लाह के पास कीजिएगा फलौला मा खल्लफत मिनसकीनती लम नकुम लिमा ख़लफ मिनलवाश्यती फलौला अगर वो चीज़ नहीं होती मा खल्लफ्तः जो आपने छोड़ी है सकीना सुकून व अतमिन के सामान जो आपने छोड़े हैं तो अगर वो सुकून व इत्मीनान के सामान ना होते जो आपने छोड़े हैं लम नकुम तो हम सब्र नहीं कर पाते खड़े नहीं रहते मतलब मुकाबला नहीं कर पाते उसका जो आपने वहशत और खौफ और जो एक डर की कैफ़ियत और एक वहशत की कैफ़ियत छोड़ी है उसका मुकाबला नहीं कर पाते हम जो सकून व का सामान छोड़ा है वो क्या है दीन क़ुरान आपकी सीरत आपके अखलाक आपका मिशन इसमें जाहिर है तसली है एक बंदा मोमिन के लिए आपने जो पैगाम दिया है कि कोई भी गम हो सब्र करे तो अल्लाह की रज़ा मिलती है क़ुरान पूरा भरा हुआ है हदीसें हैं तो ये सुकून का सामान है इसलिए जो आपकी गौम आपकी मौत पर जो वहशत हमको लाक़ हुई उसका मुकाबला कर सकेंगे वरना तो इस कैफ़ियत का मुकाबला नहीं कर सकते तो ये अच्छा जुमला है लल्लफा मैंने छोड़ना इन फ़ुला ख़लफ़ा कुतुबन कसरता अज़ीमतन मुसनफ़ातीमता ने बहुत सारी तसनीफ़ा छोड़ी है अबलग नबीय ए अल्लाह हमारे नबी को हमारी तरफ़ से पैगाम पहुँचा दीजिए वहफ़ज़हु फ़ीना और ए अपने नबी अपने नबी का ख़याल फरमाइए हमारे सिलसिले में यानी अपने नबी के ख़याल से हम हमारी हिफाज़त फरमाइए और हम पर रहम फरमाइए कि तेरे नबी की उम्मत हैं हम तो अपने नबी का ख्याल फ़रमाइए हमारे सिलसिले में यानी हमें अपने नबी के अपने नबी अपने नबी के ख्याल के की वजह से हमें ज़ाया ना फरमाइए कि हम तेरे नबी की उम्मत हैं तुम अखाराजा अलन्नास फिर हज़रत सद्दीक़ रज़ी अल्लाह तास आए वहम्फ़ी शदीद गमरातीम वज़ीम सक़रातीम वो अपने शदीद गम में थे गमरा जो छाया हुआ गम हो वो वज़ी में एक मदहोशी की कैफियत में थे सकरा सकरतुन बेहोशी मदहोशी आपने तकरीर फरमाई उसमें फ़रमाया अशदुल्ल अला शरीक अशद सदन महमदन अब्दूरसूल वाशद किताब कम नज़ल وأن الدين كما شرع وأن الحديث كما حدث وأن القول كما قال وأن الله هو الحق المبين في كلام طويل لم بعد فرمي في فرمي يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت اسم هزلة الصديق رضي الله عنه كيس تقرير میں एक तरफ़ जज्बात है दूसरी तरफ़ दीन दीन का पैगाम है और दीन की रियायत है इंसानी जज्बात भी शामिल हैं और अब्दियत के और मोमिन के जज्बात भी इसमें शामिल हैं लोगों से कहा कि जो शख़्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो वसल्लम का इंतक़ाल हो गया और जो शख़्स अल्लाह की इबादत करता था तो तो मालूम हो जाए कि अल्लाह ज़िंदा है वो कभी नहीं मरेगा अन अल्लाह तकदमा अले इलैकुम फ़ी ही फ़ला तदाउ जजा अन पढ़ेंगे पड़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि तद्रू पढ़ेंगे तो दाआ के मायने होंगे उसके मायने पुकारना और यह वदा यदाओ से तदा छोड़ना फ़ला तदाऊ अल्लाह को ना छोड़ो जज़ा अन घबराहट की वजह से व अन्ला तदमा कुम और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तलाकद्दमा कुम तुम्हारे करीब हो गया है अम्र ही अपने मामलत में मतलब अल्लाह ताला ने अपना दीन अपना क़ुरान अपने नबी के ज़रिए से सब वाजे कर दिया है और अपनी मारिफत तुम्हें अता फ़रमा दी है अल्लाह तुम्हारे तुमसे करीब हो गया है अपने मामले में यानी अपने नबी को भेज कर अल्लाह सारी बात वाज फ़रमा दी है तुम्हारे सामने और तुम्हें अल्लाह को कैसे पुकारना उसकी कैसे इबादत करना ये सब अल्लाह ने बयान फ़रमा दिया है फ़ला तदाऊह इसलिए अब अल्लाह को ना छोड़ना घबराहट की वजह से जज़ान मफुल्लहू बन रहा है ला तदा अदीना ला तदा लदा दीनाबन लद्दिनिया दीन को ना छोड़ो दुनिया की मोहब्बत की वजह से ये हब्बन लद्दुनिया मफोल्लहू बनेगा वन कद्तारिन नबी यही माइंद हो आला माइंद को मिला वाबही और अल्लाह त अपने नबी के लिए पसंद फरमाई वो चीज़ माइंद हो जो अल्लाह के पास है उसके मुकाबले में जो तुम्हारे पास है मतलब अल्लाह ताला ने जन्नत के लिए बुला लिया दुनिया तो छोटी है इसलिए अल्लाह ताला, ताला ने अपने नबी के लिए जन्नत को पसंद फरमाया अपने अपने यहाँ बुलाने को पसंद फरमाया वबहू अला षवाब ही और अपने नबी को अपने सवाब के लिए बुला लिया अल्लाह ताला तल्ला ताला फ़फ़ी गुम की ताबहू व सुन्नत नबी ही और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए छोड़ दी अपनी किताब और अपने नबी की सुन्नत उसको अल्लाह ने बाकी रख दिया तुम्हारे लिए फमन आखा बिहमा आरफा वमन फर्रका बई नुम जो कुरान और अपने नबी की सुन्नत को थामेगा आरफा वो दीन को पहचानेगा अराफ दीना जिसने कुरान और सुन्नत दोनों को पकड़ा उसने दीन को पहचान लिया वमन फर्रका बई और जिसने क़ुरान और हदीस में तफरीक की एक को लिया और एक को नहीं लिया अनकरत दीना उसने दीन को बेगाना समझा दीन को नहीं पहचान पाया उसने दीन उसके लिए आ, यानी गैरमफहूम चीज़ रही दीन आ, की मारिफत तो उसको हासिल नहीं है आराफा की ज़िद है अनकरा अनकाररफ़तों का मैंने तुम्हें पहचान लिया अनकर तो का मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ तो अनकरा अदीन अनकरा शरी आता अनकरा मनहज नबी यही अपने नबी के मनहज को उसने नहीं पहचाना मफूल इसका महजूफ मानेंगे फिर आयत पड़ी या यूहदीन अमन कून कौवा न बिलकस्त ईमान वालों इंसाफ को कायम करने वाले बन जाओ कौवा बालगे का सिवा क़़ामा बिलकस्त इंसाफ़ करने वाला क़वामन बिलकस्त इंसाफ़ को कायम करने वाला इंसाफ़ क़ायम करने वाले बन जाओ वाला यशलन न कोशैतान बम मौत नबी ये कुम और शैतान तुम्हें मशगूल ना कर दे अपने नबी की मौत में यानी अपने नबी की मौत में इतना अफसोस में मुबला करें कि दीन को छोड़ दो ऐसा ना हो वला अन कु शैतान तुम्हें ना हटा दे अपने दीन से फता अनु हटाना फाजिलू हो तो शैतान का मुकाबला करो जल्दी से आजला हो जल्दी से करना